एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर चीन ताइवान में भी संघर्ष जारी है। इस सबके बीच तुर्की ने इराक में बमबारी कर दी है। तुर्की ने उत्तरी इराक के कुर्द बहुल इलाके में बमबारी को अंजाम दिया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला उत्तरी इराक के दोहू प्रांत में हुआ है। इराक की मीडिया के मुताबिक कुर्दिस्तान और तुर्की के बीच सीमा पर जाको शहर के एक रिजॉर्ट पर भीषण बमबारी की गई। इराक ने दावा किया है कि मारे गए सभी टूरिस्ट थे। इराक और तुर्की में लड़ाई बहुत पुरानी है। तुर्की लगातार उत्तरी इराक पर हवाई हमले करता रहा है। तुर्की का दावा है कि उन इलाकों में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। वहीं तुर्की के हमले के विरोध में कुर्द कमांडो भेजकर उसका जवाब देते हैं। कुर्द लड़ाकों के एक संगठन PKK ने 1984 से तुर्की के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। इस संघर्ष में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी हुए तुर्की के हमले के बाद अमेरिका ने बयान जारी किया है। अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा है कि हमें उत्तरी इराक में हुई बमबारी के बारे में जानकारी है, हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तुर्की और इराक की इस लड़ाई को कुछ बिंदुओं से समझते हैं। कुर्दों का संगठित तौर पर कोई एक देश नहीं है, ये तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया के कुछ इलाकों में फैले हुए हैं। कुर्द विश्व का सबसे बड़ा समूह है जिनका कोई देश नहीं है। कुर्दों की कुल आबादी करीब 25 मिलियन से 35 मिलियन के बीच है और ये मिडिल ईस्ट का चौथा सबसे बड़ा समूह है। ऑटोमन साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध में हार के साथ ही बिखर गया था। कुर्दों को विश्व युद्ध के बाद अलग देश का वादा किया गया था, लेकिन जल्द ही ये समझौता रद्द हो गया। कुर्दों ने लगातार स्वायत्तता की कोशिश की और इसके लिए कई बार संघर्ष भी किया। हालांकि उनके संघर्षों को हर बार बेरहमी से कुचल दिया गया। 2005 में इराक के एक हिस्से विशेष को कुर्दिश क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया। इसकी सीमाओं में कुर्द की क्षेत्रीय सरकार को स्वायत्तता दी गई।